तमाम तबलीगी जमात के लोगों से जो विदेशों से भारत आए और इस भारत के अंदर आके अपमानित हुए, उन तमाम तबलीगी जमात के लोगों से, उनमें आस्था रखने वाले लोगों से एक भारतीय होने के नाते मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उनको सॉरी कहना चाहता हूँ कि हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात। तो भाई हम लोग दिल से सॉरी बोलते हैं, हम लोग शर्मिंदा हैं इस बात। तुम्हें बिरयानी का इतना शौक है, हराम खोरो पाकिस्तान तक पहुँच दो बिरयानी खाने साल और ने, शर्म करो, देश में नफरत की राजनीति बंद करो। देश आपका बिल्कुल विरोध करता है, आप जाति धर्म में उलझाकर देश के बेच रहे हो। समर्पित है तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से, उनके साथ में उनके लिए आदर रखने वाले लोगों से, क्योंकि मैं एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आती है कि तबलीगी जमात के लोगों को बेवजह आरोपी बनाया गया कोरोना के मामले में। तो मैं उन तमाम तबलीगी जमात के लोगों से जो विदेशों से भारत आए और इस भारत के अंदर आके अपमानित हुए, उन तमाम तबलीगी जमात के लोगों से, उनमें आस्था रखने वाले लोगों से एक भारतीय होने के नाते मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उनको सॉरी कहना चाहता हूँ। और इसके लिए आप तमाम लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके दिल में कोई भी इच्छा हो तो हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात आप चला सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, हमें ट्रेंड नहीं करना है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमें ये जिम्मेदारी होती है। हमारे देश में आए हुए मेहमान के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया, उनको उठा के जेल में रखा गया, उनको बेइज्जत किया गया, एक अपराधी के तौर पर उन्हें देखा गया, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमने अपने आए हुए मेहमानों के साथ इस तरह का बर्ताव किया। आखिर वो गलत होते तो माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह के निर्णय ना देने पड़ते कि वो बेगुनाह हैं और तबलीगी जमात जिनको भी जेलों में रखा गया है उसे तुरंत छोड़ा जाए, चाहे वो मुंबई हाईकोर्ट हो चाहे वो दिल्ली हो, लगभग सब जगहों से ये फैसले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह माना है कि वो बेचारे बेगुनाह हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की भांड मीडिया ने इसका तबलीगी जमात का गलत उपयोग किया केवल अपनी नरेंद्र मोदी जी की गलतियों को छुपाने के लिए, तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि उन बिचारों के साथ गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो एक क्षमा बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सॉरी बोलते हैं उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। देश की नीति रही है वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, इस नीति को जो अपमानित किया गया है नरेंद्र मोदी और उस सरकार के राज में, देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार हमारे देश के अंदर आए मेहमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है जो भारत देश की गरिमा को, भारत देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और भारत देश की आन बान शान को, भारत देश की संस्कृति को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। और मैं आपको बता दूं कि इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना इस देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। ये ऐसे लोग हैं जो भैया बात करते हैं अर्णब गोस्वामी जैसे लोग, आप देख लीजिए भैया, इनको तो शर्म आती है अपने आप को पत्रकार कहते हुए, इन्हें शर्म नहीं आती, इतनी गुलामी करते हैं, इतनी गुलामी करते हैं कि अगर मोदी जी कहते ना एक बार कि ये गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है, तो ये अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, उसे च्यवनप्राश समझ के खा जाएंगे, एक मिनट ही लगाते हैं इन मामलों में। पूरे देश के अंदर जो हमारे देश की स्थिति को जो इन्होंने शर्मसार करा है, तो सबसे पहले जिस तरीके से विनय भाई ने बोला कि हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात, तो भाई हम लोग दिल से सॉरी बोलते हैं, हम लोग शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि एक विदेश से आया नागरिक जो हमारे देश के अंदर आता है अपने अमन चैन शांति भाईचारे की कामना करने के लिए जमात में आता है और यहाँ आता है और इस तरीके से कैद हो जाता है कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, तो बहुत हम शर्मसार हैं, हम दिल से शर्मिंदा हैं और हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हम इन अंधभक्तों से तो कहेंगे नहीं जिनमें मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनमें इतनी चर्बी घुसी हुई है कि ये लोग कहते हैं कि भैया मैं नोट नहीं लूंगा क्योंकि नोट पे थूक लगाने से कोरोना फैल जाता है, इसलिए मैं नोट नहीं लूंगा। इन जैसे महानुभावों का तो क्या कहना, तो भैया ये तो सॉरी बोलेंगे नहीं। आपको भी पता होगी अब दिल्ली के अंदर हम तो जो मेन राजधानी में रहते हैं, तो आपको भी इस बात के लिए पता है कि कितने लोगों को यहाँ जमातियों के तौर पे परेशान किया गया था, उन्हें मारा पीटा गया था। बॉस कभी ये मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, कभी ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे। एज अ लॉ स्टूडेंट मेरी न्यायपालिका से अपील है, जिस तरीके से जमातियों को छोड़ा गया है बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक मुकदमा इन अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के खिलाफ जो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहे तबलीगी जमात से फैल रहा है कोरोना, आखिर कब उठाएगी इस पे एक्शन पुलिस? ये लगातार इस तरीके का ट्रेंड चला रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि लोगों के अंदर मतभेद होना कि भाई वोटिंग को लेकर आगे पीछे हो तो वो चलता है, लेकिन अगर मनभेद हो जाए तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है और इस मनभेद का नतीजा देश की राजधानी दिल्ली भुगत चुकी है। देश की राजधानी में अभी कुछ समय पहले दंगे हुए थे और उस दंगे के जिम्मेदार भी इन भारतीय जनता पार्टी के, इन भारतीय जुमले पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ट्रेंड जारी है कि जो ज्यादा बड़े दंगे कराएगा, जो पब्लिक को ज्यादा गधा बनाएगा, वैसे गधे खुद है, पब्लिक को गधा बनाते कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे लोग हैं। और अभी हम लोग एक ट्रेंड जारी कर रहे हैं देश के अंदर, मैं आपको बता दूं कि भैया मैं अभी एक मुहिम चलाने वाला हूं कि जितने भी इनके बीमार साथी थे इनको एक एक बोतल गौमूत्र भिजवा दूंगा,
भैया गौमूत्र आप ये दिखाइए पब्लिक के सामने, अगर आप पी लेंगे, इनको ये नहीं पता कि गौमूत्र अगर मार्केट में मेडिकल स्टोर बिकता है तो उसके अंदर क्या क्या केमिकल मिलाए जाते हैं। आप डायरेक्ट पी के दिखाइए गौमूत्र, है कीचड़ में लेट रहे हैं आप कभी तो। मेरी बस अंत में लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये तबलीगी जमात को लेकर एक विशेष समुदाय को, जाति को टारगेट किया है, जिस तरीके से बैंगलोर में हिंसा हुई, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और कहना चाहूंगा कि एक बार फिर लास्ट में सॉरी तबलीगी जमात, हम शर्मिंदा हैं आप लोगों के लिए और हम दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इसमें अमर भाईचारा समाप्त करने के लिए 17% मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए देश में जिस तरीके से मुहिम छुपा रखा था, गधा तो गधा ही रहा, चाहे उस पर अरबों रुपए फूंक दिए गए, देश को बर्बाद कर दिया गया। इनको बताना होगा ये सावरकर की औलादों को, गोरे अंग्रेज की नाजायज औलादों को, काले अंग्रेजों को, कि तबलीगी जमात के बहाने जिस तरीके से जब कोरोना का मामला 7 नवंबर को चाइना में पहली बार मालूम हुआ और 30 जनवरी को हिंदुस्तान में मालूम हुआ, तो क्यों भारत सरकार छुपाती रही? देश को गर्त में ढकेलने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया, जो सैकड़ों सालों से तबलीगी जमात का जमावड़ा निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बगल में लगता रहा, तारीपार गृह मंत्री की मंत्रालय, तमाम सीबीआई आईबी जैसी संस्थाएं, दिल्ली पुलिस के लोग, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर सारे जवाब देते, वो उन्होंने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय? जब बाहर के देशों से जो हमारे अतिथि आ रहे थे, जो भारत को अतिथि देवो भव के भारत के रूप में जाना जाता है, जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, इस गोरे अंग्रेजों की नजायज औलादों ने भारत को छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसको देश की जनता ने लात मार के भगाया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं तबलीगी जमात के लोगों को मतलब माफी मांगता हूं कि हमारे देश में गोरे अंग्रेजों की नजायज औलादों के द्वारा जिस तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया, आपके ऊपर जुल्म उठाए गए, इसके लिए हम माफी के पात्र हैं। भाजपा, आरएसएस और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, दलों पत्रकारों को जो रात दिन सिर्फ यही दिखाते थे कि तबलीगी जमात कोरोना बम, इस पर जांच, आज इन भरवों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने विश्व में भारत की छवि खराब की है और मुस्लिम देशों में जो हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं उनके रोजी रोटी पर खतरा बन रहा। आज ये एक बहुत बड़ा फैसला 57 देशों के जो मुस्लिम देशों के संगठन थे, उन भारतीयों पर जो भारत की छवि को देखते हुए कार्रवाई करने का प्रयास किया, हम उन सभी से कहना चाह रहे, ये सब भारतीय मीडिया, भाजपा, आरएसएस के द्वारा प्रायोजित, जिस तरीके से अब देखिए किस तरीके से नफरत की बात कर रही थी, करबला की लड़ाई मुसलमानों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं थी, रामायण और महाभारत हिंदू मुसलमान के बीच नहीं थी, धर्म के शैतानों के बीच में थी। नरेंद्र मोदी जी काल ने भी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे, देश के सभी जाति, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों से इन निकम्मे निकारों लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने की जरूरत है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई एक होकर रहें, मजबूत अपने देश को करें। फिर इसी बात के साथ कहते हैं कि जब इनको कोरोना महामारी में इलाज मैक्सिम अस्पताल बनाने चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी चाहिए, तब ये अपने रिश्तेदार, अपने फूफा ट्रंप की गुलामी करने में लगे थे, ट्रंप की बाराती के स्वागत में लगे थे, ट्रंप की गुलामी और व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में लगे थे, ट्रंप की गुलामी 22 विधायकों की नीलामी ने।